Hello, my dear NEET aspirants. This is your biology mentor, Dr. Garima Singh, and I welcome all of you to Pradis Education NEET. तो बच्चों, आप कर रहे हैं तैयारी आपकी जीत की, कर रहे हैं तैयारी हम सब आपके लिए नीट की. तो चलो फटाफट आपकी जीत की तैयारी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं फ्रॉम द टॉपिक डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन. तो डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन के हम क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, जो एम्स में आए हुए हैं, जो नीट में आए हैं, AIPMT में आए हैं, और वहां से कुछ अगर उसमें नया है तो आज वो सीखने की कोशिश करेंगे. तो देखो बिना कोई भी टाइम आगे वेस्ट करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और देखते हैं आज के क्वेश्चंस. तो आई होप जितने भी लेक्चर्स हुए हैं इससे पहले 7 लेक्चर्स, आपने वो 7 के 7 लेक्चर्स अच्छे से गो थ्रू किए हैं और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है. तो अगर बच्चों आपको कॉन्सेप्ट आता है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको फटाफट बनेंगे. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पुराने जमाने में पूछते थे, जो पुरानी NCERT में हुआ करते थे, वो आप यहाँ पर तुरंत मेरे साथ नए में सीख लोगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं और जितने क्वेश्चंस कर सकें ये करेंगे, बाकी क्वेश्चंस फिर आप DPP में सॉल्व कर लेना. ठीक है, तो मैं DPP भेज दूंगी और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग से बताऊंगी कौन से हैं, तो उसको सॉल्व करना. कहीं पर भी दिक्कत जाए तो फिर मुझे बताना. हेलो आरुषि, कैसे हो बच्चा? गुड आफ्टरनून. ठीक है आरुषि, क्या देख रहे हैं हम? फिलहाल हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन. तो देखो स्टार्ट करें. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहते हैं. ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? अब ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहते हैं ये NCERT में लिखा था ना. क्या बताया था उन्हें हमें बताया था कि ब्रूनर्स ग्लैंड मॉडिफिकेशन है ऑफ द सब म्यूकोजा. और किस चीज़ का सब म्यूकोजा? डियोडिनम का. तो डियोडिनम में मिलने वाले थे आपको आपके कौन? आपके ब्रूनर्स ग्लैंड. तो ब्रूनर्स ग्लैंड किस चीज़ का मॉडिफिकेशन हुए? ये हुए मॉडिफिकेशन बेटा सब म्यूकोजा का. और ये सब म्यूकोजा किसका है, कौन से एरिया का? डियोडिनम का. तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा डियोडेनम. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन स्मॉल इंटेस्टाइन टेक्स प्लेस ड्यू टू. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर यहीं पर स्टमक लिखा होता, यहीं पर बच्चों स्टमक लिखा होता तो हम क्या चूज करते हैं? रेनिन, डबल एन वाला रेनिन, है ना, क्योंकि बच्चों के इन्फेंट्स के स्टमक में ये रेनिन मिलता हमें. पर ये कहाँ मिलता है? स्टमक में. क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ से हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं और वो ये सीख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मिल्क की कर्डलिंग करा रहे होते हैं वो होते हैं हमारे काइमोट्रिप्सिन. ठीक है, काइमोट्रिप्सिन. तो ये चीज़ NCERT में डायरेक्टली नहीं लिखी है बट प्रीवियस ईयर इन क्वेश्चन है इसीलिए हम यहाँ से इसको सीखेंगे. ओके, गुड आफ्टरनून कनकलता, गुड आफ्टरनून फरदीन. ठीक है बच्चों, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम pH, कि इन सब में से किसका pH सबसे कम है, मिनिमम pH वाला कौन है. तो जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे हमसे कि मिनिमम pH किसका है, मिनिमम pH किसका है, तो हम क्या बताएंगे कि मिनिमम pH उस जूस का है जो कि रिलीज होता है बाय योर स्टमक, जहां पर गैस्ट्रिक जूस होगा जिसका आंसर क्यों होगा, क्योंकि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उसके pH को 1.8 तक पहुंचा देता है विच इज अ वेरी एसिडिक pH. तो पूछा हमने मिनिमम मतलब जीरो के पास, तो जीरो के पास की तरफ कौन है, तो यहाँ पर आएगा हमारे लिए गैस्ट्रिक जूस. तो हमारे पास ऑप्शन भी है सी गैस्ट्रिक जूस, तो हम बच्चा सी गैस्ट्रिक जूस यहाँ से चूज करते. ठीक है, सी गैस्ट्रिक जूस यहाँ से चूज करते. अब उसके अलावा अगर हम अपन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर लोफोडोंट. तो लोफोडोंट टीथ क्या होते हैं? हेलो विशाखा, हेलो साहिल, क्या हाल है बच्चों? देखो तो लोफोडोंट ना, हमने अभी तक लोफोडोंट टर्म नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था? हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, डिफियोडोंट. आज एक नया सा टर्म सीख रहे हैं हम जिसका नाम है लोफोडोंट. अब देखो ये लोफोडोंट होता क्या है, ये लोफोडोंट का मतलब होता है बेटा, ये लोफोडोंट का मतलब होता है जब आपके टीथ में कुछ ऐसे कस्प्स प्रेजेंट रहते हैं तो उनके बीच में कुछ ऐसे रिजेस भी बनते हैं. तो जब इस तरीके के दांत हो ना कि बीच में ऐसे रिजेस बने, कस्प्स हो, बीच में कुछ स्पेस हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं लोफोडोंट कंडीशन. ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं लोफोडोंट कंडीशन. और आपके सामने के जो दांत हैं इंसाइजर्स, शार्प वाले केनाइंस, इनमें कहीं पर भी बीच में सिर्फ डिप्रेशन, गड्ढे, रिजेस नहीं आती ना, तो जिनमें भी ये रिजेस नहीं आती वो लोफोडोंट की कैटेगरी में क्लासीफाई अपने आपको नहीं करा सकते. बट जिनमें भी आपको ऐसे डिप्रेशन यानी रिजेस देखने को मिलती हैं बीच में, उनको हम बुलाते हैं इन द कैटेगरी ऑफ लोफोडोंट. तो लोफोडोंट टीथ हमारे पास दो होंगे बच्चों, एक होगा हमारे पास प्रीमोलार और दूसरे होंगे हमारे पास मोलार्स. तो इन कैटेगरी के टीथ्स को हम कहते हैं लोफोडोंट.
ठीक है, इन कैटेगरी की टीथ्स को हम लोफोडोंट बुलाते हैं। तो हमने यहाँ से एक नई टर्म भी सीखी है, ठीक है, हमने यहाँ से एक नई टर्म भी सीखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ्स आर लोफोडोंट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी प्री मोलार एंड मोलार, ठीक है, प्री मोलार एंड मोलार, इन्हीं को हम लोफोडोंट भी बुलाते हैं। अब देखो ऐसे एक और क्वेश्चन है, ये भी एम्स में पूछा गया है काफ़ी साल पहले, पता है कितने साल पहले, ये 2002 के क्वेश्चन हैं। तो 2002 मतलब आज से 20 साल पुराने, तो 20 ईयर्स पुराने क्वेश्चन हैं। आजकल सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं, तो इसीलिए आजकल इस तरीके के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। तब भी एनसीईआरटी से आते थे, पर तब की एनसीईआरटी और अब की एनसीईआरटी में बहुत अंतर है, ठीक है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो मालूम होने में कोई बुराई नहीं है, भले ही हम उतना पूरा डिटेल थ्योरी नहीं पढ़े, बट एटलीस्ट उस क्वेश्चन से रेलेवेंट थ्योरी तो हम जान सकते हैं, तो उतना उतना अपन जान लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वॉटिंस डक्ट, किस ग्लैंड का डक्ट है वॉटिंस। तो अब जब उस दिन पढ़ा रही थी मैं सलाइवरी ग्लैंड, तो हमने डिस्कस किया था कि भैया स्टेंसन्स डक्ट होता है पैरोटिड ग्लैंड में, ऐसे ही जो वॉटिंस डक्ट होता है ये होता है आपके सब मैक्सिलरी यानी कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट का नाम। तो यहाँ पर आपके एंगल ऑफ द जॉ में आपका सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर डक्ट है, उसी के डक्ट का नाम बेटा दूसरा है वॉटिंस, ठीक है, इसी के डक्ट का दूसरा नाम है वॉटिन। तो यहाँ से हम ये चीज़ भी याद करेंगे कि वॉटिंस डक्ट हमारे सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर डक्ट का दूसरा नाम होता है, ठीक है, दूसरा नाम होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी में, अभी की एनसीईआरटी में तो नहीं है ये क्वेश्चन, क्या पूछा है, शार्पीज परफोरेटिंग फाइबर्स, कि शार्पीज फाइबर किस चीज से रिलेटेड होता है। अब एक चीज और याद रखेंगे हम कि शार्पीज फाइबर्स ना वो फाइबर्स होते हैं जो टूथ को जॉ में अटैच करके रखने में मदद करते हैं, वहां पर उसको होल्ड करके रखने में हेल्प करते हैं। तो जो वहां पर उसको अटैच कराता है ना, पकड़ के रखता है जॉ में, उन्हीं को हम शार्पीज फाइबर कहते हैं। तो ये फिक्सिंग ऑफ टीथ में हेल्प करते हैं, किस चीज में, फिक्सिंग ऑफ टीथ में। तो शार्पीज फाइबर किस चीज से रिलेटेड हुआ, टीथ की फिक्सिंग से, ठीक है बच्चों। इतने क्वेश्चन याद रहेंगे हमें, क्या क्या सीखा हमने नए में। हेलो अंकित, क्या हाल है बेटा, हेलो विशाखा, हाय श्वेता। तो जितने भी बच्चे अभी अभी आए हैं, अपन डिस्कस कर रहे हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एम्स में कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो जो जो क्वेश्चंस अभी के एनसीईआरटी में है वो तो तुमसे फटाफट फटाफट बन जाएंगे, जो क्वेश्चंस अभी के एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत साल पुराने क्वेश्चन है, 10 साल 20 साल पुराने, उन क्वेश्चन को बच्चों अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अभी अभी अपन ने यहाँ पे देखा कि शार्पीज फाइबर अभी के एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये क्या करता है, ये टीथ को बोन में फिक्स करने में हेल्प करता है, एक चीज सीखी हमने। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सीखा कि वॉटिंस डक्ट सब मैक्सिलरी डक्ट का दूसरा नाम है, ऐसे ही हमने कुछ कुछ चीजें यहाँ से नई नई सीखने मिल जाएंगी, ठीक है। गुड आफ्टरनून आशीष। चलो तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन है, इतने जल्दी ऊपर चला गया सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, पूछ रहा है एक्सेसिव स्टिम्यूलेशन ऑफ वेगस नर्व, कि जरूरत से ज्यादा अगर वेगस नर्व स्टिम्यूलेट हो गई, तो आप एक चीज और जान लेते हैं कि भैया ये वेगस नर्व क्या कर रही है, आपके आपके स्टमक में जाकर वहां पर सेंसेशंस दे रही है, उनको बता रही है कि कितने अमाउंट में क्या रिलीज करो वगैरह वगैरह, तो ये स्टिम्यूलेट करने का काम कर रही है। अब जब ये ऐसे जाकर स्टिम्यूलेट करती है ना, तो बताइए क्या करवाती है, ये जरूरत से ज्यादा HCL रिलीज करवा देती है, जितना रिक्वायर्ड है उसे कई ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करवा देती है। और बहुत हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा और म्यूकस इतना रिलीज नहीं होगा बेटा, तो क्या हो सकता है, आपकी म्यूकोजल लाइनिंग में इरोजन्स हो सकते हैं, जिसके कारण वहां पर अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अल्सर मतलब स्किन जो है वहां की लेयर जो है अंदर की म्यूकोजल लेयर, वो एक्सकोरिएट हो जाती है, हट जाती है वहां से और छाला पड़ जाता है। तो ये छाले पड़ जाते हैं पेट में, इस चीज को हम बुलाते हैं पेप्टिक अल्सर। और बहुत ज्यादा अगर वेगस नर्व बार 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 बताएगी ना उसको कि अरे चलो और HCL और HCL और HCL, तो अल्टीमेटली क्या करा देगी, वहां पर अल्सर्स कॉज करा देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा इसीलिए बी पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो एक वेगस नर्व ये काम करती है, यहाँ से हमें ये भी चीज पता चल रही है। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर सिक्रीशंस इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स टारगेट एंड नेचर ऑफ एक्शन। तो भैया इनने यहाँ पर चार अलग अलग चीजों के बारे में लिख रखा है, आपको इनको ये देख के बताना है कि किसके आगे जो चीज लिखी है वो एकदम सही लिखी है, किसके आगे जो चीज लिखी है वो एकदम सही लिखी है। अब ये क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन्होंने पढ़ा है लोकल हॉर्मोन्स के बारे में, तो ये क्वेश्चन वहीं से ज्यादा रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पर हॉर्मोन्स की बात चल रही है। तो मैं तुम लोगों को चैप्टर 22 पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि भैया तुम लोग को ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए, तुम लोग को ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए। देखो गैस्ट्रिन के आगे लिखा है कि स्टमक की लाइनिंग से सिक्रीट होता है,
ऑक्सेंटिक सेल्स के पास जाकर उनसे HCL का प्रोडक्शन कराता है. और यही चीज एब्सोल्युटली ट्रू है कि गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज हो रहा था, आपके म्यूकोजल एपिथीलियम से रिलीज हो रहा था. प्लस ये क्या कराता है, ऑक्सेंटिक सेल्स पे जाके काम करवाता है, उनसे HCL का प्रोडक्शन करवाता है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक जूस पे काम करता है, गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करवाता है. तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बेटा वो एकदम सही दे रखा है. अब देखो बी में क्या गलत है, बी में लिखा है कि इनहिबिन नाम की कोई चीज़ है जो सर्टोली सेल सिक्रीट करते हैं, हाइपोथैलेमस पे जाकर काम करता है और उनको बोलता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करो. तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, इनहिबिन तो भैया स्टॉप कराने वाला हार्मोन है, ठीक है. सर्टोली सेल से सिक्रीट होकर हाइपोथैलेमस पे जाकर वहां से GnRH का सिक्रीशन को रुकवाएगा, तो ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है. तो हमसे करेक्टली मैच पूछा था इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था. फिर यहाँ लिखा है एंटेरोकाइनेज डिओडिनम से सिक्रीट होता है, गॉल ब्लैडर पे जाके काम करता है और बाइल जूस सिक्रीट कराता है. पर एंटेरोकाइनेज डिओडिनम से सिक्रीट जरूर होता है पर ये गॉल ब्लैडर पे जाके काम नहीं कराता बच्चों, ये क्या कराता है, ये ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में कन्वर्जन कराता है, ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में कन्वर्जन कराता है. और ये है ANF एक्रिनाक्रिलेटिक फैक्टर, ये कहाँ सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है आपकी एट्रियल वॉल से. एट्रियल वॉल से सिक्रीट होने के बाद ये JJ सेल्स पे जाकर काम करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करवाएगा. तो इस तरीके से इनके सारे फंक्शंस होते हैं. तो ए ही करेक्ट ऑप्शन था, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलत लिखा ही है. अब देखो इसके बाद जो 10th क्वेश्चन है ये पूछ रहा है हमसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेल्स विद देयर सिक्रीशन इज करेक्टली मैच्ड, कि क्या सही मैच किया हुआ है, क्या सही मैच किया हुआ है. 10th में बोला है ऑक्सेंटिक सेल्स, इनका सिक्रीशन होता है जो pH वो 2 से 3 के बीच में रहता है. अल्फा सेल्स ऑफ आईलेट्स ऑफ लैंगरहांस का जो सिक्रीशन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है. कफर सेल्स एक डाइजेस्टिव एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं. सेबेशियस ग्लैंड्स डाइजेस्टिव एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का. अब ऐसा क्वेश्चन कभी मिले ना, इस तरीके का क्वेश्चन कभी मिले तो इसमें हमें देखना क्या होगा, देखना ये होगा कि इसमें सही क्या लिखा है भैया. तो ऑक्सेंटिक सेल्स के बारे में सही लिखा है, चीफ सेल्स के बारे में, कि हाँ यहाँ से HCL सिक्रीट होता है और HCL के कारण ही यहाँ का pH एसिडिक रहता है. बाकी ये जो जो लिखा है, यहाँ पे बीटा सेल होता तो ये सही हो जाता पर ये गलत लिखा है अभी. कफर सेल्स का डाइजेशन में काम नहीं है, इनका किस चीज़ में काम है, इनका काम है आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को देखने में, तो ये इनका काम नहीं है. ऐसे ही सेबेशियस ग्लैंड्स तो ऑयल सिक्रीटिंग स्वेट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है, उनका ये काम नहीं है. तो बाकी सारे ऑप्शन गलत है बच्चों, ए को छोड़ के. तो भले ही ए का एकदम सही नहीं लिखा था, 1.8 नहीं लिखा था, बट एटलीस्ट क्लोज तो लिखा है, तो इसीलिए हम ए के साथ जाएंगे. अब देखो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गिवन बिलो इज अ टेबल कंप्राइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक सिस्टम फॉर 4 फीचर्स विच वन फीचर इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड. फीचर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है भैया. अब देखो यहाँ पर लिखा है सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन क्या होता है, स्टिम्यूलेट होता है सिंपैथेटिक से और इनहिबिट होता है पैरासिंपैथेटिक से. प्यूपिल ऑफ द आई सिंपैथेटिक डायलेट कराती है और पैरासिंपैथेटिक कंस्ट्रिक्ट कराती है. हार्ट रेट सिंपैथेटिक के कारण डिक्रीज हो रहा है, पैरासिंपैथेटिक के कारण इंक्रीज हो रहा है. और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ा रहा है, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम कम कर रहा है. अब जब इस तरीका का क्वेश्चन आएगा ना सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक से रिलेटेड, तो क्या याद रखोगे, ये याद रखना है कि क्या करते थे हम कहते थे कि जब भी कुछ एक्स्ट्रा कराना है, फटाफट से चीज़ें बढ़वानी है, तो हम क्या करते हैं, हम हेल्प लेते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की. पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको बाद में ले जाकर नॉर्मल करा देता है. और जब भी हम शॉक में होते हैं, डरे हुए रहते हैं, तो जो भी ऐसा काम करवाना होता है अलग हट के, वो कौन कराता है हमारे लिए, वो कराता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो देखो यहाँ से प्यूपिल ऑफ द आई को डायलेट कराना, जब हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी आंखें फट जाती हैं, खुल जाती हैं. तो ये वाला जो काम है बढ़ाने वाला, ये कौन कर रहा था, सिंपैथेटिक सिस्टम कर रहा था. और जब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम करता है. तो यहाँ से ये वाला काम इसके लिए सही लिखा हुआ है. हार्ट रेट का काम बेटा उल्टा लिखा है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उस समय पे आप डिक्रीज करा देते हो क्योंकि डाइजेशन आपका मेन फोकस नहीं होता. तो इसीलिए बच्चों ये भी उल्टा लिखा हुआ है. तो फर्स्ट डी और सी एकदम उल्टे उल्टे लिखे हैं, बी एकदम इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी एकदम हमारा करेक्ट ऑप्शन है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था अ चाइल्ड टुक शुगर केन एंड सक्ड इट्स जूस रिगार्डिंग दिस विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट. वो कह रहे हैं बच्चा है भाई, उसने गन्ना लिया
उसका जूस सब करके पी लिया। अब इसमें से क्या करेक्टली मैच्ड है, क्या करेक्टली मैच्ड है, कह रहे हैं कि एक सबस्ट्रेट है प्रोटीन, उस पर काम करेगा एंजाइम पेप्सिन, डियोडेनम में करेगा और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्जन कराएगा। दूसरी तरफ लिखा है स्टार्च पे काम करेगा अमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होगा, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगा। तीसरी तरफ लिखा है कि लिपिड पे काम करेगा लाइपेज, पैनक्रिया से सिक्रीट होगा, उसको फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कराएगा। और आखिरी में लिखा है कि सुक्रोज है, इन्वर्टेज एंजाइम उस पर काम करेगा, डियोडेनम में करेगा और उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करा देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करा देगा। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से क्या सही है, इसमें से क्या सही है। तो देखो भैया, अगर वो शुगर केन है, अगर तो वो शुगर केन है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसका कन्वर्जन कराना होगा। और शुगर केन है मतलब उसमें शुगर है, शुगर है मतलब हम सुक्रोज की बात करें, शुगर है मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सुक्रोज की बात कर रहे हैं। तो सुक्रोज का कन्वर्जन हम कराएंगे किसकी हेल्प से, एक डाइपेप्टाइडेज की हेल्प से। ये कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो देखो सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम सिक्रीट होगा इसके लिए, इसकी को दूसरा नाम है सुक्रेज, इसी को हम सुक्रेज भी बुलाते हैं। तो इन्वर्टेज यानी सुक्रेज रिलीज होने वाला है, कहाँ पर रिलीज होने वाला है, ड्यूओडेनम में। किससे रिलीज होने वाला है, उसी की खुद की एपिथीलियम से, उसी की खुद की एपिथीलियम से, इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम है ये। और ये फाइनली क्या करता है, सुक्रोज को उसके मोनोमर्स में कन्वर्ट करा देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो यही ऑप्शन बेटा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी शुगर केन के जूस का ना प्रोटीन से लेना देना, ना शुगर केन के जूस का लिपिड से लेना देना, और ना ही स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्जन कराता है, मतलब अमाइलेज। अमाइलेज क्या कर सकता था, माल्टोज में कन्वर्जन करा सकता था, बट ग्लूकोज में कन्वर्जन नहीं करा सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। और आपको एक और चीज क्या सीखनी मिली यहाँ से, कि सुक्रेज एंजाइम का दूसरा नाम ही होता है इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है, सुक्रेज का ही दूसरा नाम होता है इन्वर्टेज एंजाइम। एक ये चीज भी आपने यहाँ से सीखी। अब देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, मतलब एम्स ने अपना क्वेश्चन खुद ही रिपीट कर लिया, पता है कितने सालों में। ये क्वेश्चन एम्स ने दोबारा पूछ लिया था इन द ईयर 2008, मतलब 2002 में पूछा, फिर 2008 में फिर से पूछ लिया, तो 6 साल बाद फिर से क्वेश्चन रिपीट। अब क्वेश्चन रिपीट किया तो क्या कह रहे हैं कि भैया मैच करके बताओ क्या है, क्योंकि तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हुए, तो अब तुम्हें इसका आंसर आना चाहिए। बताओ अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के गए होते तब, तो क्या तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते, क्या होना चाहिए इसका आंसर, फटाफट बता दो मुझे। बोलो बच्चों, अफाक आलिफ, जल्दी सोचो क्या होता फिर इसका आंसर, कि इसमें से कौन किसके लिए करेक्ट है। अभी हमने बात की कि सेबेशियस ग्लैंड, कफर सेल, आईलेट्स ऑफ लैंगरहांस और ऑक्सेंटिक सेल, यही चार तब भी लिखे थे। अब यहाँ लिखा है ऑक्सेंटिक सेल सिक्रीशन देता है पीएच 2 से 3 के बीच में कर देता है। अल्फा सेल्स के लिए हमने लिखा है कि सिक्रीशन लैंगरहांस सेल का ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराता है। कफर सेल में लिखा है कि ये न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज कराने के लिए एंजाइम सिक्रीट करता है। और सेबेशियस ग्लैंड में लिखा है कि इसका सिक्रीशन इवेपोरेट हो जाता है और आपको कूल करता है। तो भैया बताओ क्या होना चाहिए, स्वेट ग्लैंड होता तो शायद मैं एक बार को मान भी लेती, बट यहाँ पर जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है वो अगेन ए ही है, क्योंकि ऑक्सेंटिक सेल से सिक्रीट हो रहा है मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पीएच एसिडिक कर देता है 2 से 3 के बीच में। तो अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट किया उनने, और ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर भी कुछ भी उसमें चेंज उनने नहीं किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच रो इन द चार्ट कंटेन्स द वर्ड्स दैट बेस्ट कंप्लीट द स्टेटमेंट, 1 ग्लैंड्स प्रोड्यूस डैश विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय द डैश, ठीक है। तो हमें बताना है द डैश ग्लैंड्स प्रोड्यूस डैश, तो अब देखो कौन से ग्लैंड क्या करते हैं, किस सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मैं नॉर्मली भी सुनूंगा क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में अपने आप आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन, जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड आना चाहिए, यहाँ पर हॉर्मोन आना चाहिए, और फिर क्या आना चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, करेक्ट ऑप्शन बनता है सी। सो सी विल बी द आइडियल आंसर, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन हार्मोन है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंडीशन दैट नीड्स टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर रेमिडियल एक्शन इन इंडिया टुडे इज,
वो कह रहे हैं कि भैया वो कौन सी ऐसी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है जिसको आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए आपको रेमिडियल एक्शन तुरंत लेना चाहिए, इंडिया में टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, कौन सी वो बीमारी होगी इनमें से। ये क्वेश्चन पता है उन्होंने 2010 में पूछा है, मतलब आज से 12 साल पहले। तो आज से 12 साल पहले उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सी बीमारी है जिसको इंडिया को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। और बताया बच्चों कौन सी बीमारी है, ये वही बीमारी है जिसके लिए गोल्डन राइस बनवा रहे हैं हम, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन जब से हुआ हमने क्या किया, वाइटामिन ए का काउंट बढ़ाना शुरू किया फूड में। और वाइटामिन ए का काउंट हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वाइटामिन ए की डिफिशियंसी से ज़ेरोप्थैल्मिया यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और इस चीज़ का बहुत बढ़ता हुआ इफेक्ट देखा हमने कि लोगों की आई साइट बहुत वीक होती जा रही है, नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे हैं लोग अगेन, क्योंकि ये चीज़ नोटिस में आई ना होंगे, तो इसीलिए हमने कहा कि हमें बायोफोर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है। हम ऑलरेडी वाइटामिन एनरिच फूड्स बनाने लगे, चावल वावल में वाइटामिन ए ज़्यादा डालने लगे, ताकि जो डिफिशियंसी हो रही है वाइटामिन ए की उसको हम क्योर कर पाएं। हेलो केशु, हेलो हरी, गुड आफ्टरनून, ठीक है बच्चों। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेरोटिड। अब ये चीज़ तो हमने पढ़ी भी है, बुक में बताई भी थी मैंने तुम्हें, तो यहाँ पे लिखा है पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स टंग के नीचे है, चीक के नीचे है, एंगल ऑफ द टू जॉस के बीच में है, या आई ऑर्बिट के नीचे है। तो बताओ भैया कि पेरोटिड कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो हम इस चीज़ पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये बकल कैविटी के बाहर आपके चीक के नीचे प्रेजेंट रहते हैं, बकल कैविटी के बाहर आपके चीक के नीचे प्रेजेंट रहते हैं। सो इट्स नियर टू द ईयर, आपके चीक के नीचे हैं, इसीलिए हम इन्हें पेरोटिड ग्लैंड्स बुलाते थे। हेलो मोहम्मद, हेलो श्वेता, क्या हाल है बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 17। अब क्वेश्चन 17 देखो कितना भयंकर क्वेश्चन है, कह रहा है एक हेल्दी पर्सन है, उसने एक डाइट ली जिसमें उसने 5 ग्राम शुगर खाई, 4 ग्राम एल्ब्यूमिन खाया, 10 ग्राम खाया भैंस का घी, ठीक है, जिसमें 2 ग्राम वेजिटेबल घी भी मिला हुआ था और 5 ग्राम लिग्निन था। अब वो पूछ रहे हैं कि उसको कितनी कैलोरी मिली होगी, कितनी कैलोरी मिली होगी। अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, मतलब आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि किस फूड से क्या मिला। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उनने जब शुगर खाई तो उसे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिला, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है इन चीज़ों की, तो देखो उसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलती थी, 4 किलो कैलोरी मिलती थी, है ना। तो हमने अभी 5 ग्राम खाया है तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20, तो इससे कितनी मिल गई, 20 मिल गई। फिर 4 ग्राम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन है एक प्रोटीन, तो 4 ग्राम प्रोटीन से कितनी मिलेगी, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी मिलती है, अगेन 4 मिलती है, तो 4 × 4 ये हो जाएगी 16 ग्राम, ये हो जाएगी 16 किलो कैलोरी, तो इस हिसाब से उसको 16 किलो कैलोरी मिल गई। अब हम कह रहे हैं 10 ग्राम उसने भैंस का घी लिया है, और घी को, ऑयल्स को हम फैट्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं, तो इसको भी हम फैट की कैटेगरी में काउंट करेंगे। और हम जानते हैं फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, या फिजियोलॉजिक वैल्यू जो होती है फैट्स की, वो होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 10 × 9, ये हो जाएगा 90 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब हम ये भी कह रहे हैं कि भाई उसने 2 ग्राम वेजिटेबल घी भी ले लिया उसके साथ, 2 ग्राम वेजिटेबल घी भी ले लिया यानी ऑयल भी ले लिया, तो 2 × 9 अगेन 18 हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें तो वो क्या करके बैठा है, लेके बैठा है, इतनी चीज़ें तो वो कंज्यूम करके बैठा है। अब इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5 ग्राम लिग्निन भी है, 5 ग्राम लिग्निन भी है, तो इतना खाना उसने खा लिया है। अब हमें क्या बताना है कि टोटल मिलाकर कितनी एनर्जी उसने गेन करी होगी, क्या लगता है तुम लोग को क्या आंसर आना चाहिए, देखो अभी अब तक कितना हो गया हमारे पास, अभी तक हो गया है मेरे पास 108 प्लस 16 प्लस 20, है ना, और 8 × 6 कितना होता है 14, मतलब 8 + 6 कितना होता है 14, तो ये 14, इसका 1 यहाँ, और ये 2, 3 और ये 4,
तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 144। तो हमारे पास आएगा टोटल मिला के 144 किलो कैलोरी। अब अगेन बेटा, मैंने वो 5 ग्राम लिग्निन को क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि मेरी बॉडी में उसका ब्रेकडाउन नहीं होने वाला, सेल्यूलोज लिग्निन इन चीज़ों का ब्रेकडाउन मेरी बॉडी नहीं करती, उसके पास एंजाइम्स नहीं है हमको ब्रेक कराने के लिए। तो जिन जिन चीज़ों का कर सकती है उतने की एक एक की आपको इंडिविजुअल कैलोरीफिक वैल्यू याद रखनी है, मल्टीप्लाई करना है, टोटल मिला के प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कैलोरीफिक वैल्यू पे, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2014 में पूछा हुआ है, ठीक है, 2014 में पूछा हुआ है। तो यहाँ से याद क्या रखेंगे, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से आपकी बॉडी को मिलते हैं 4 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम फैट आपकी बॉडी को देता है 9 किलो कैलोरी। तो आप जितना भी आपने कंज्यूम किया है उनको इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर सम करके निकाल कर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से हम इस आंसर का कैलकुलेशन करेंगे। आई होप हमें ये बात समझ आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इनमें से क्या सही है, इनमें से क्या सही है। और ये 2017 में पूछा है इनने, इनने कहा है पेप्सिन केसिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ट्रिप्सिन कोलेजन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, पेप्सिन कोलेजन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और काइमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर सकता है केसिन को, काइमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर सकता है केसिन को। कब पूछा ये इनने, 2018 में। कोई बता सकता है क्या मुझे सोच करके इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए? क्योंकि तुमने अगर एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं तो तुमको ये आंसर पता है, क्योंकि वो तुम्हें पिछले कुछ सालों में पूछ चुके थे 2002 में क्वेश्चन, 2002 में उन्होंने पूछा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आपको केसिन का ब्रेकडाउन कराना है, डाइजेशन कराना है, तो किसकी हेल्प से कराओगे। तो हमने हमें बताया था कि वो आप कराओगे काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से। तो यहां से हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि जो डी ऑप्शन था वो एकदम सही ऑप्शन था, कि डी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन था, काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से केसिन का डाइजेशन किया जाता है, किया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है फिर बाकी गलती होंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस तो है नहीं मेरे पास, एक ही आंसर मुझे चूज करना है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है कि काइमोट्रिप्सिन केसिन को डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से एम्स में पूछे गए, ठीक। अब देखते हैं अजर्शन रीजन क्या पूछा है। अब अजर्शन रीजन के कुछ रूल्स होते हैं ना, कुछ रूल्स होते हैं। वेरी गुड भैया, अभी अभी बता रही हूँ आशीष कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कि काइमोट्रिप्सिन केसिन को डाइजेस्ट कर सकता है, कोलाजन प्रोटीन है, पेप्सिन को प्रोटीन डाइजेस्ट करते आएगा, पेप्सिन को प्रोटीन डाइजेस्ट करते आएगा, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन कर सकता है, इसीलिए सी सही ऑप्शन नहीं है, डी सही ऑप्शन है, कि जब भी केसिन का यानी मिल्क प्रोटीन का स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन होता है तो वो काइमोट्रिप्सिन कराता है, काइमोट्रिप्सिन कराता है, ठीक है। 2002 में एम्स ने पूछा था, फिर 2018 में रिपीट किया, 2018 में रिपीट किया, मतलब 15 साल बाद भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से हमने चीज़ें सीख ली। अब देखो अजर्शन रीजन के लिए क्या होता है, दो स्टेटमेंट होते हैं, दोनों स्टेटमेंट हमको इंडिविजुअली पढ़ने होते हैं। तो पहले हम दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे, ये देखेंगे कि वो अपने आप में सही है या गलत है, अजर्शन सही लिखा है क्या, रीजन सही लिखा है क्या, अलग अलग दोनों को सेपरेट स्टेटमेंट की तरह ट्रू और फॉल्स लगाएंगे पहले अपन, उसके बाद अपन सोचेंगे बच्चे कि क्या उनका आपस में कोई लेना देना है, तालमेल बैठ रहा है या नहीं। तो पहले हम उनको अलग अलग से पढ़ेंगे, फिर हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आपस में क्या रिलेशन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें यही बताना है हमने कि 4 ऑप्शन हो सकते हैं, ए बी सी या डी, तो हमें चूज करना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अब देखते हैं चलो, और ई भी है एक ऑप्शन, अजर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो हम ई के पास भी जा सकते हैं। चलो देखो, अब फर्स्ट अजर्शन कह रहा है कि एक कंडीशन है जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, इसमें बहुत सारे अमाउंट में जो फैट्स हैं वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, और फिर उनको आपकी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना पड़ता है, आपकी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना पड़ता है। तो ये क्या कह रहे हैं, एक बीमारी हुई है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस नाम की, जिसमें फैट्स अब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, और इसीलिए अब आप इनको अनअब्जॉर्ब मैनर में बॉडी के बाहर एलिमिनेट कराओगे। दूसरे में लिखा है इनने कि बाइल की एंट्री जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होनी थी वो नहीं हो पाती अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है तो, अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है तो। तो देखो जॉइंटिस के बारे में हमने क्या पढ़ा है, हमारी बुक में जॉइंटिस के बारे में कुछ लिखा है ना कि इट्स अ डिजीज विच अफेक्ट्स योर लिवर, ठीक है, इट इज अ डिजीज विच अफेक्ट्स योर लिवर। अब इतनी बात तो हम जानते हैं कि जॉइंटिस जब होता है तो लिवर पे असर पड़ता है,
हम ये बात भी जानते हैं कि जब किसी को जॉइंटिस होता है तो हम कहते हैं उसको भाई कि नहीं कंज्यूम करो तुम ज़्यादा अमाउंट में फैट्स वगैरह, क्योंकि तुम्हारा जो लिवर है वो ऑलरेडी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ऑलरेडी वहाँ पर जॉइंटिस हो रखा है तो तुम सपोर्ट नहीं करवा पाओगे इनका ब्रेकडाउन। अब ये कह रहे हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का है, ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का जॉइंटिस है, तब क्या करना चाहिए? क्या बाइल जू सिक्रीट हो पाएगा बेटा? क्या बाइल जू सिक्रीट हो पाएगा बताओ, क्या लगता है? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, खुद ही बोल रहे हैं देखो ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, मतलब रास्ता ब्लॉक हो गया। तब रास्ता अगर ब्लॉक हो गया है तो क्या बाइल जूस वहां तक पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना है? और अगर बाइल जूस वहां नहीं पहुंचेगा, कहां नहीं पहुंचेगा? अगर आपका बाइल जूस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज नहीं होगा, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू वहां नहीं आएगा, तो क्या फैट्स का डाइजेशन कराना पॉसिबल है बिना बाइल सॉल्ट्स के? क्या फैट्स का ब्रेकडाउन हो सकता है कभी भी? सोच के बताओ फटाफट से। हेलो गुलाब, क्या हाल है बच्चे? ठीक है, तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन लिखा होता है ना, तो अपनी सारी नॉलेज को वहाँ पे लाके रखना होता है कि जॉइंटिस अपने आप में लिवर क्या प्रॉब्लम था, बोल रहे हैं भाई ऑब्स्ट्रक्शन है मतलब रुकावट है, रुकावट है तो बाइल जूस पहुँचेगा कैसे, और नहीं पहुँचेगा तो मेरा बाइल सॉल्ट्स नहीं है वहाँ पे, मैं बड़े बड़े फैट ग्लोबुल को छोटे फैट ग्लोबुल में कन्वर्ट करा ही नहीं सकती। और अगर मैं बेटा उसका कन्वर्जन कर नहीं सकती, अगर मैं उसका कन्वर्जन कर नहीं सकती तो मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, फैट्स का डाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, लाइपेज एक्टिवेट नहीं होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो फैट तो अनअब्जॉर्ब ही रह जाएगा ना, अब्जॉर्ब भी नहीं होगा फिर, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए जब मैं स्टेटमेंट को देख रही हूँ तो मुझे बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि हाँ जो मेरा ऑप्शन है, जो मेरा अजर्शन है, वो जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही लिखा है। क्या लग रहा है मुझे कि अजर्शन में मेरे पास जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही लिखा हुआ है। तो अगर मैं समझ रही हूँ यहाँ से कि ए ट्रू है तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है बी क्या है, बी क्या है। अब देखो बी में क्या लिखा है, मतलब रीजन में क्या लिखा है, रीजन में लिखा है कि बाइल की एंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन में रुक गई है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के कारण। तो हाँ ये बात भी सही है, तो अजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है कि हाँ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में बहुत सारा फैट अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बाहर एलिमिनेट करना पड़ता है। और रीजन में क्या लिखा है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में बाइल जूस जिस रास्ते से जाना चाहते हैं वो रास्ता ब्लॉक हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली एकदम सही स्टेटमेंट्स हैं। और वहीं अगर मैं इसके बाद इसको पढ़ूंगी ना तो मुझे समझ आ जाएगा इसका रीजन भी है। क्यों रीजन है? क्योंकि उन्होंने कहा कि बाइल जूस की एंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन में रुक गई है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में, इसी कारण से फैट्स आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ और आपको यह अनअब्जॉर्ब्ड फैट बॉडी के बाहर निकालना पड़ेगा, बॉडी के बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये बॉडी के बाहर निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि बाइल जूस यहाँ पर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि बाइल जूस यहाँ पर नहीं आ पा रहा था, यही रीजन है कि आपका अनअब्जॉर्ब्ड फैट बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है, वरना वो डाइजेस्ट हुआ होता तो अब्जॉर्ब होता। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को जब मैं देखती हूँ मुझे समझ आता है कि हाँ ये इसी कारण से हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन ए जाता है बेटा, तो मेरा ऑप्शन ए जाता है। तो ए ऑप्शन अजर्शन रीजन में तब भी जाता है जब वो दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही हों, एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एक दूसरे स्टेटमेंट का तुक बनाए, है ना, कुछ सेंस बने उन दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद, वो उसका जस्टिफिकेशन हो, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। तो हाँ ये इसका एकदम करेक्ट रीजन है कि ये इसीलिए बाहर जा रहा है क्योंकि बाइल जूस यहाँ आ नहीं पाया, क्योंकि बाइल जूस यहाँ आ नहीं पाया। तो यहाँ से इसीलिए इसका आंसर ए होगा, ठीक है, ए होगा। अब देखो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 21 वाले में, पैनक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च टू माल्टोज। क्या कह रहे हैं कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करा सकता है। अब बताओ मुझे क्या ये स्टेटमेंट सही है, अमाइलेज एंजाइम स्टार्च का ब्रेकडाउन माल्टोज में कराता है या नहीं कराता, बस इतना बता दो, कराता है कि नहीं कराता? अमाइलेज एंजाइम का काम है ना स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, स्टार्च का ब्रेकडाउन कराना इनटू अ डाइसैकेराइड व्हिच इज माल्टोज। तो पैनक्रिया का अमाइलेज भी तो यही कर पाएगा, सलाइवरी अमाइलेज भी यही करा रहा था, 30% का करा पाता था, बचे कुछ एक पैनक्रिया के अमाइलेज को कराना है तो ये काम करेगा बेटा, ये चीज एकदम सही है, ये चीज एकदम सही है, ठीक है, कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो मेरा अजर्शन क्या हुआ, मेरा अजर्शन हो गया यहाँ से ट्रू, कि अजर्शन तो एकदम सही सही दिया है मैम, एकदम सही सही। अब मैं रीजन पढ़ती हूँ क्या लिखा है उसके पीछे, रीजन लिखा है बच्चों ने कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है प्रोटीन के। क्या लिखा है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है प्रोटीन के। अब मुझे एक बात बताओ, जब मेरे अमाइलेज का
सबस्ट्रेट स्टार्च है, तो स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ये क्या करता होगा, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ता होगा। हम तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं ना, तो हमें तो ये चीज मालूम है भैया कि कार्बोहाइड्रेट्स में यानी ग्लूकोज ग्लूकोज को जब हम लाइन से जोड़ते हैं तो वहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बनते थे, अमाइनो एसिड को जोड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और वो प्रोटीन में बनेगा, पर अमाइलेज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम थोड़ी ना है, अमाइलेज तो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये क्या करता है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को तोड़ता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को तोड़ता है। तो रीजन सही लिखा है क्या, रीजन में जो स्टेटमेंट है वो गलत लिखा है या सही लिखा है, बताओ, फॉल्स नहीं होना चाहिए इसको, कि अपने आप में रीजन ही गलत दे दिया तुमने, तो जो स्टेटमेंट लिखा है वो गलत ही लिखा है। क्या लिख दिया आपने, आपने लिखा है कि वो पेप्टाइड बॉन्ड तोड़वाता है प्रोटीन के, अरे नहीं बाबा, वो तो प्रोटीन पे काम ही नहीं करता, वो कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़वाता है। अगर इनने ये लिखा होता, अगर इनने ये लिखा होता तो बाय गॉड ये पूरा का पूरा अजर्शन और रीजन जस्टिफाई हो जाते और आंसर ए हो जाता, पर क्योंकि इनने रीजन का स्टेटमेंट ही गलत लिखा है बेटा, रीजन का स्टेटमेंट ही गलत लिखा है, तो मेरे पास अजर्शन रीजन में जो थर्ड ऑप्शन होता है ना, सी वाला, वो यही होता है कि अजर्शन तो सही है बट रीजन गलत दे रखा है, रीजन गलत दे रखा है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, यहां से आंसर हो जाएगा सी, कि अजर्शन तो सही है बट भैया रीजन गलत है, बट भैया रीजन गलत है। अब रीजन अपने आप में स्टेटमेंट ही गलत है तो क्या मतलब फिर आगे सोचने का, तो आंसर यहां से करेक्टली सी हो गया। तो क्या देख रहे हैं, पहले हम दोनों स्टेटमेंट को देख रहे हैं अलग अलग, ये देख रहे हैं ऊपर वाला सही है क्या, ऊपर वाला सही होता है तो नीचे वाला पढ़ते हैं, देखते हैं नीचे वाला सही है क्या, अगर दोनों सही होते हैं तो फिर हमें आगे सोचना पड़ता है, अगर दोनों में से कोई एक गलत है तो आंसर अपने आप ही सी डी में से कुछ हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, आगे देखेंगे बच्चों हम 22nd क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है देखो, ट्रिप्सिन हेल्प्स इन ब्लड डाइजेशन ऑफ प्रीडेटर एनिमल्स, ट्रिप्सिन हाइड्रोलाइजेस फिब्रिनोजन। अब देखो कितना भयंकर स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है इनने लिखा है कि ट्रिप्सिन हेल्प करता है ब्लड को डाइजेस्ट करने में, किसके अंदर, प्रीडेटर एनिमल के अंदर। तो ये कह रहे हैं भैया प्रीडेटर्स वो हैं जो दूसरे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, और उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी में ट्रिप्सिन क्या करने वाला है, उनकी बॉडी में ट्रिप्सिन ब्लड का डाइजेशन करवाने वाला है, ब्लड का डाइजेशन करवाने वाला है। तो अब जब मैं ये स्टेटमेंट देखती हूँ ना, तो तुम लोगों को पता नहीं, बात पता हो नहीं पता हो, हमें एक बात, लेकिन एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर प्रोटीन्स रहते हैं, एल्ब्यूमिन रहता है, फिब्रिनोजन रहता है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रोटीन्स वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। अब जब भी प्रेडेटर एनिमल किसी का ब्लड खाता है तो उसकी बॉडी में इन चीज़ों का ब्रेकडाउन कराना पड़ता है, और ये ब्रेकडाउन कराने में ट्रिप्सिन ही हेल्प करता है, ये ब्रेकडाउन कराने में ट्रिप्सिन ही हेल्प करता है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ लो कि ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है कि ट्रिप्सिन वाकई ब्लड के डाइजेशन में हेल्प करता है प्रेडेटर एनिमल्स के अंदर। तो अगर आपने ब्लड खाया है, पिया है किसी का, तो ये ट्रिप्सिन ब्लड का ब्रेकडाउन कराएगा, ये ट्रिप्सिन ब्लड का ब्रेकडाउन कराएगा। अब ये कराएगा कैसे, ये एक्चुअल में यही काम करता है, ये क्या करता है, ये जो वहाँ पर फिब्रिन्स होते हैं उनके बॉन्ड्स को तोड़ता है, हाइड्रोलाइज कराता है उसे, और क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये प्रोटीन है फिब्रिनोजन, इसीलिए इसका ब्रेकडाउन करा देता है, इसलिए इसका ब्रेकडाउन करा देता है। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था एम्स ने, पता है कब पूछा था, 2011 में, मतलब आज से 11 साल पहले वो ये चीज़ पूछे बैठे हैं आपसे, पूछे बैठे हैं। तो अब क्योंकि वो आपसे पूछ चुके हैं, तो अब आपको पता है, आज की डेट में आपको पता है कि ट्रिप्सिन ये काम करता है, आपको ये भी पता है आज की डेट में कि ट्रिप्सिन फिब्रिनोजन को हाइड्रोलाइज कराता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ना आप अपने माइंड में रख लेना, अब अगर वो कभी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इसी को घुमा फिरा कर आपसे पूछ लेंगे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करते हैं ना, तो हमें आगे आने वाले क्वेश्चन का हिंट लगता है, आइडिया लगता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें सही हैं, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है। अभी हमारी बुक में इसके बारे में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा, तो हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़ा बहुत हम सोचते ये हमें सही लगता रीज़न, ये लगता रीज़न सही, तो हम इसे कोरिलेट करके ए कर लेते, बट रिस्की रहता, रिस्की रहता, बट क्योंकि ये पी वाई क्यू है, अब हम 100% श्योर है, अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमसे बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइपेज ऑफ बाइल, क्या पूछ रहा है, लाइपेज ऑफ बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
इनने लिखा है लाइपेज ऑफ बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. तो पहली बात तो ये सोच के बताओ मुझे कि लाइपेज क्या बाइल का होता है या पैनक्रिया का होता है. बाइल जूस में तो कोई एंजाइम ही नहीं है ना, बाइल जूस में तो कोई एंजाइम ही नहीं है. इट हैज जीरो एंजाइम्स, नो एंजाइम्स एट ऑल. तो फिर पहले ही लाइन में गड़बड़ी है, पहली ही लाइन में गड़बड़ी है. मतलब क्या है, अजर्शन ही गलत है, अजर्शन ही गलत है. लाइपेज इन द बाइल डजंट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, बाइल सॉल्ट्स इन द बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन. ठीक है, बाइल सॉल्ट्स इन द बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, लाइपेज इन द बाइल नेवर हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन. ठीक है, वो कभी भी आपके लिए इमल्सिफिकेशन नहीं करा रहा है. तो लाइपेज का ये काम नहीं है बच्चों. लाइपेज बाइल से सिक्रीट नहीं होता है, लाइपेज सिक्रीट होता है पैनक्रियाटिक जूस से, पैनक्रियाटिक एंजाइम है. बाइल सॉल्ट्स इन द बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये लिखा होता तो अजर्शन सही होता. अभी अजर्शन क्या है, गलत है, गलत है, अजर्शन तो गलत है. अब अजर्शन गलत है मतलब ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता. ठीक है, ए और बी तो मेरी कहानी से ही एलिमिनेट हो गए हैं. अब हो क्या सकता है, हो सकता है इसके बाद कि ऑप्शन मेरा, अच्छा सी भी नहीं हो सकता, ए बी सी तीनों नहीं हो सकते. अब या तो ये हो सकता है कि रीजन भी गलत दे रखा हो, डी ऑप्शन हो जाए, या तो फिर अगर रीजन सही है तो ई हो सकता है. तो मेरा आंसर डी या ई में से कोई सा है, उसको देखने के लिए मैं रीजन पढ़ लेती हूँ, रीजन पढ़ लेती हूँ. अब रीजन क्या कह रहे हैं, रीजन कह रहा है लाइपेज ब्रेक कराता है बिगर फैट ग्लोब्यूल्स को इनटू स्मॉलर वंस. फिर से वही बात, लाइपेज ये काम क्यों कराएगा, ये काम तो बड़े को छोटे साइज में तोड़वाने का काम तो बाइल सॉल्ट का है ना, इमल्सिफिकेशन कहते हैं इसे हम. तो इमल्सिफिकेशन वाला काम तो बाइल सॉल्ट करता है, इसका मतलब है यहाँ पे तो रीजन भी गलत है, रीजन भी गलत है. और अगर अजर्शन और रीजन दोनों गलत हो, दोनों गलत हो, तो इनने हमें कहा था डी चूज करना. तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या चूज करेंगे, डी ऑप्शन चूज करेंगे. पहला स्टेटमेंट भी गलत, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में गलत हैं बच्चों, अपने आप में गलत हैं. अब देखो 24th क्या कह रहा है, 24th कह रहा है कि ड्यूरिंग फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन डीएमिनेशन डज नॉट टेक प्लेस इन लिवर. वो कह रहे हैं कि भैया जब एक्सक्रीशन का काम हो रहा होता है, एक्सक्रीशन का काम हो रहा होता है, तो डीएमिनेशन का प्रोसेस लिवर में नहीं होता, डीएमिनेशन का प्रोसेस लिवर में नहीं होता. अब डीएमिनेशन का क्या मतलब है, डीएमिनेशन का मतलब है कि आप बहुत सारे अमाइनो एसिड बनवाने का काम करने वाले हो, आप अमाइनो एसिड्स बनाने का काम करने वाले हो, मतलब अमाइनो एसिड तोड़वाने का काम करने वाले हो, बनाने का नहीं तोड़वाने का काम कराने वाले हो. अब रीजन में क्या लिखा है, डीएमिनेशन इज अ प्रोसेस टू मेक यूज ऑफ एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स विच कैनॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटोप्लाज्म. अब ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी ज्यादा ऊपर जा रहा होगा हमारे, क्योंकि अभी हमने एक्सक्रीशन नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी हमने एक्सक्रीशन नहीं पढ़ा, हमें एग्जैक्टली नहीं पता यहाँ पर क्या होता है. बट थोड़ा बहुत समय तुम्हें हिंट दे दूं, हमारे लिवर में जितना भी अमोनिया होता है ना, उसका यूरिया में कन्वर्जन कराया जाता है, उसका यूरिया में कन्वर्जन कराया जाता है. यूरिया में कन्वर्ट कराने के बाद हम उसे किडनी के पास भेजते हैं ताकि किडनी उसको एक्सक्रीट कर सके, ताकि किडनी उसे एक्सक्रीट कर सके. तो ये काम बेटो हम कर रहे होते हैं, ये काम हम कर रहे होते हैं. बट अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एक्सक्रीशन के टाइम पे डीएमिनेशन लिवर में नहीं होगा. तो डीएमिनेशन लिवर में होगा, आप अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करोगे, बड़े बड़े अमाइनो एसिड्स का ब्रेकडाउन कराओगे, तो डीएमिनेशन यही होता है और ये चीज लिवर में होती है. मतलब अजर्शन गलत है, अजर्शन गलत है. फिर यहाँ पे लिखा है कि डीएमिनेशन वो प्रोसेस है जिससे आप एक्सेसिव अमाइनो एसिड बना रहे हो, बना नहीं रहे हो, तुड़वा रहे हो, तुड़वा रहे हो, और ये चीज आपके लिवर में होती है, मतलब ये भी गलत है. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत लिखे हुए हैं. डीएमिनेशन में आप बहुत सारे अमीनो एसिड्स को तोड़वा तोड़वा के अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन करवाते हो चीजों का, और फिर यही सेम चीज की हेल्प से एक्सक्रीशन में हेल्प मिलती है, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो पाता है. तो जिस फॉर्म में एलिमिनेट हो सकता है उस फॉर्म में कन्वर्ट कराने का, यानी अमोनिया को यूरिया में बदलवाने का काम ये करते हैं. ठीक है, ये करते हैं. तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में गलत है. तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी. हेलो अच्युतम, बहुत लेट बच्चे, तुम लोग 5-10 मिनट पहले घूमने आते हो क्या, देखने की क्लास चल रही है कि बंद हो गई. चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं एम्स का. एम्स का आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलमोस्ट फुल्ली अब्सॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन. वो कह रहे हैं पानी और आयंस का फुल अब्सॉर्प्शन हो जाता है कहाँ पर, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में. तो बताओ मुझे क्या ये चीज सही है, हमारी बुक ने लिखी थी ना ये कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सर्टेन ड्रग्स आर अब्सॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन. मतलब ये स्टेटमेंट तो सही लिखा है,
assertion तो मेरा सही होगा। अब जब मैं reason देख रही हूँ उसका, तो reason कह रहा है enlarged intestine, hostral contractions, that is slow segmental movements, roll the forming feces over and over, causing absorption of water and electrolytes। ये कह रहे हैं कि large intestine में कुछ ऐसे movements होते हैं जिन्हें हम कहते हैं hostral contractions, जिसमें आप फीसेस को एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे करके रोल रोल करते हो, और जब ऐसे रोल रोल करते हो तो उसमें से जितना भी वाटर होता है उसको, इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होते हैं उनको रिमूव करा देते हो। अब देखो, जब मैं नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ तो मुझे पता है ना, हाँ वहाँ पर यह भी होता है, मैं जानती हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन में फीसेस को सॉलिडिफाई किया जाता है, तो वहाँ पर कुछ मूवमेंट तो होता ही होगा, तो ये चीज़ भी सही है। उस मूवमेंट को हम हॉस्टल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसमें से सेगमेंटल रोल ओवर होता है, उस अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब फूड को एक के ऊपर एक रोल किया जाता है, जैसे आप कपड़ा ऐसे करके निचोड़ते हो उस तरीके से वो एक के ऊपर एक ऐसे रोल होते हैं, और जो भी अंदर वाटर है, आयंस हैं, वो सब बाहर निकाल दिए जाते हैं, वो सब ब्लड में दे दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है रीज़न भी सही है। और क्योंकि इस तरीके से आप उसके अंदर से निचोड़ निचोड़ के, घुमा घुमा के चीज़ों को बाहर निकाल रहे हो ना, इसीलिए यहाँ पर सारा ही वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर हो जाते हैं। जिसका ये भी मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में बच्चों ट्रू हैं और एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं, मतलब रीज़न ऊपर वाले स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन यानी जस्टिफाई भी कर रहा है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हेलो हर्ष, गुड इवनिंग, बहुत लेट बच्चों, तुम लोग बहुत लेट हो। चलो, आज के दिन में हमने क्या देखे, हमने देखे कि एम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे पहले, और कैसे कैसे क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं, हमने ये सीखा। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला जो PDF है ये शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे आज ही, अभी 5-10 मिनट के अंदर, और जैसे ही शेयर करूंगी बेटा, आपको ये जितने भी नीट वाले क्वेश्चन हैं जो एम्स में आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, इनको करना है। ठीक है, तो आपका आज का ये वर्क है कि आपको इनको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को। ये लगभग 70 कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 70 कुछ क्वेश्चंस हैं, हम 25 ही डिस्कस कर पाए क्लास में, ज़्यादा तो टाइम हमारे पास था नहीं। और मेरी एक एडवाइस और है कि जब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो कहाँ से करना, पीछे से करना, मतलब 73rd क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करना, तो पीछे से ऊपर जाते हुए इनको सॉल्व करना, और जब इनको पीछे से ऊपर जाते हुए सॉल्व करो तो जहाँ पर भी अटको, जो भी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं समझ आए, क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, वो तुरंत अपने मेंटर को व्हाट्सएप पे बताना कि ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैम से आंसर की दिलवा दो, या फिर डाउट सेशन रखवा दो, या कुछ भी, तो फिर अपन उसके हिसाब से इसको आगे का करेंगे। ठीक है, तो हमें आज अपने सारे डाइजेशन के क्वेश्चंस को लगा के देख लेना है, और उनमें से जो जो नई चीज़ें हम सीख सकते हैं वो सारी सीख लेनी है। तो इससे हमने अपनी पूरी NCERT थरेली कवर कर ली है, प्लस हमारा PYQ वाला सेक्शन भी पूरा हो जाएगा, तो हमारा डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन कम्प्लीटली रेडी होगा। अब एक चीज़ और है, मैंने एक कम्युनिटी पे पोल डाल रखा है, मुझे प्लीज़ मेहरबानी करके बता दो कि हमें कल क्या स्टार्ट करना है, कौन सा चैप्टर पढ़ने की इच्छा है, फटाफट से मुझे बता देना ताकि कल से हम उस चैप्टर को फ्रेशली स्टार्ट कर सके। काफ़ी सारा सिलेबस है बच्चों, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जितनी DPP तुम्हें मिलती हैं, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 70 80, इनको सॉल्व करो, जहाँ अटकते हो, दिक्कत आती है, प्लीज़ बताओ। ठीक है, तो जब तक बताओगे नहीं, अपने साइड से मेहनत नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं किसी बात का। मैं कितना भी यहाँ भोगती रहूँ, चिल्लाती रहूँ, पढ़ाती रहूँ, कोई मतलब का नहीं है अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और क्या स्टार्ट करना है बता दो, 4-5 ऑप्शन दिए थे मैंने, फोटोसिंथेसिस पढ़ना चाहते हो, रेस्पिरेशन, या फिर ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज के बाद वाला चैप्टर, या फिर चाहते हो कि मैं कुछ और, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या ट्रांसपोर्टेशन उठा लूँ, तो क्या पढ़ना है कम्युनिटी के पोल पर जाकर आज रिप्लाई कर देना, ताकि कल क्या पढ़ना है उसकी तैयारी मैं देख लूँ। ठीक है, उसको मैं तुम्हें कल पढ़ा दूँ। तो अपन कल मिलने वाले हैं, कल अपन मिलेंगे 4 बजे, और एक फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। 2 बार अच्छे से रीड करना बुक से, इसके क्वेश्चंस करके देखना, कहीं पर भी अटको, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो में आकर कमेंट करके मुझे बता देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना कि ये क्वेश्चंस में डाउट है, क्या आंसर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो फिर मैं छोटा सा डाउट सेशन लेके वो क्वेश्चंस समझा दूंगी। चलो, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, विच विल बी टुमारो। तब तक सब लोग प्लीज़ ईमानदारी से अपना काम कर लेना, और कल फिर मुझे नए चैप्टर पढ़ने के लिए मिलना। क्या पढ़ना चाहते हो बता देना, वरना अपने मन से पिक कर लूँगी। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।